पीछे टाके लगवा के दे दिया करते तो हम क्या करते थे शर्ट नीचे डालते थे शर्ट के साथ बार बार पेंट नीचे किया करते थे। बड़ी बात है ऐसे कार्य हमें करना चाहिए यही बच्चे कल का आने वाला भविष्य है कल इन्होंने ही इस देश को इस पुंछ को देखना है हम कब देखेंगे हमारा समय भी अब आगे का हो रहा है लेकिन ये बच्चे हमारे आने वाला कल है यही बच्चे हमारे आने वाला जो है वो भविष्य है कुछ उतनी हमारी पूछ इसलिए मैं एक बार पुनः आपका और मैडम जी का और इस स्कूल के जो स्टाफ है जो स्कूल की हेड है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे भी यहाँ पे बोलने का इस काबिल या इस वक्त के एस ऑफिसर आप लोअर मंडी दूसरे एरिया से या पुंछ के भी आप देखे होंगे वो बड़े बड़े एलिट स्कूल से नहीं आए आप जैसे स्कूल में से निकले हैं तो आप हमारा मुस्तकबिल हो आपको संवारने में जितना उस्तादों का काम है घर में माँ बाप तो है ही है लेकिन माँ बाप के बाद ये जहाँ बाकी कार्य करती हैं वहाँ ये बच्चों के बीच में भी इनका शौक है कार्य करने का ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज ऐसा समय है कि लोगों को अपने बच्चे नहीं समझे जा रहे अगर दूसरे के बच्चे का कोई ख्याल रखेगा तो उससे बड़ी बात कोई और हो नहीं सकती। और मुझे आज मैं बांडे साहब से बात कर रहा था कि इस स्कूल के अंदर मैं पहली बार आया हूँ मुझे बड़ी खुशी हुई बड़ा खूबसूरत स्कूल है और इसी जैसा खूबसूरत स्कूल है जैसा अच्छा स्टाफ है वैसे ही खूबसूरत बच्चे हैं मैंने मुझे बच्चों को भी देख के बड़ी खुशी हुई कि बड़े मोहतरमा नीतू शर्मा जी स्कूल की हेडमास्टर्स साहिबा सुहिता जी और उनके साथ यहाँ बैठे हुए उनके स्टाफ मेंबर हजरात सतीश सासन जी और हंसते खेलते बच्चों सबको मेरा सलाम। यहाँ पे यह ऑर्गेनाइज किया गया है इस सोसाइटी की जानब से कि बच्चों में कुछ ना कुछ तोहफा दिया जाए मैं से हेल्प नहीं कहता या कोई मदद नहीं कहता मैं तोहफा कहूँगा क्योंकि हमारा मुस्तकबिल कभी गरीब नहीं हो सकता। जो बच्चे यहाँ बैठे हैं ये हमारा मुस्तकबिल है इस दौर से सभी गुजरे हैं आजकल तो बड़े बड़े स्कूल खुले हैं कॉन्वेंट स्कूल हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं लेकिन हमारी तालीम भी ऐसे स्कूलों में गवर्नमेंट स्कूलों में ही हुई है उसी से बड़े बड़े यहाँ विद्वान निकले हुए हैं पुंछ से बड़े बड़े बैरिस्टर भी हुए हैं 47 से पहले भी। अर्थ जो है मैं आपको उर्दू या हिंदी में समझाऊंगा कि इंसानियत का मतलब क्या होता है। वैसे तो इन आई एम जो होता है इनका मतलब होता है अंदर ये आप सभी जानते हो इनका मतलब अंदर गाड़ी पे लिखा था ना ओट इन एक साइड पे ओट लिखा होता है एक पे इन लिखा होता है अंदर जाना और बाहर आना। तो इन जो हो गया इंग्लिश का लफ्ज है और शान जो होता है ये फारसी का लफ्ज है इंसान जिसके अंदर आई एन अंदर उस अल्लाह की